हे गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का प्लॉट साइज देखेंगे फ्रेंड्स, 25x60 फीट का हमारा आज का 2 BHK हाउस प्लान है। सीडी प्लानिंग के साथ हमने आपको इस वीडियो के अंदर समझाया है 25x60 फीट हाउस प्लान विद एलिवेशन डिजाइन 2 BHK हाउस प्लान। ये इसका फ्रंट एलिवेशन रहेगा। इस तरीके से हम आपको 3D प्लानिंग में इसको समझाने वाले हैं। प्लॉट साइज देखेंगे 25x60, प्लॉट एरिया देखेंगे। सो 1500 स्क्वायर फीट का हमारा ये मकान रहेगा। 166 गज का मकान है, खाली फ्रंट साइड से ओपन है, बाकी अदर तीनों साइड से अदर प्रॉपर्टीज हैं। सो उसी हिसाब से हमने इसकी प्लानिंग की है। ये मकान जो रहेगा, स्टेयर के जो है आउटसाइड से रहेगी। सो रेंटल ऑप्शन के लिए आप इस मकान को बना सकते हैं, डिजाइन को ऑप्ट कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स देखेंगे तो आपका ड्राइंग रूम रहेगा सेपरेट, इसके अलावा 2 बेडरूम्स रहेंगे, अटैच 2 टॉयलेट्स रहेंगे, किचन, डाइनिंग एंड आपकी जो एक बीच में डाइनिंग लॉबी रहेगी। एस्टिमेटेड इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो आएगी वो लगभग 8.5 लाख के आसपास आएगी। सो आइए प्लान की तरफ चलेंगे, 3D प्लानिंग की तरफ चलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं जब तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, सो देट हमारी कोई भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके एंड आपसे वो वीडियो मिस ना हो। सो आइए प्लान की तरफ चलेंगे। सो गाइस, सबसे पहले देखेंगे हम प्लॉट की डायमेंशन। देखिए प्लॉट जो हमारा लेंथ वाइज रहेगा 60 फीट का है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारे जो प्लॉट की विड्थ रहेगी वो 25 फीट की है। सो 25x60 फीट का फ्रंट साइड ओनली ओपन प्लॉट है, बाकी अदर तीनों साइड जो है अदर प्रॉपर्टीज हैं। पीछे की तरफ आप देखेंगे हमने सेटबैक छोड़ा है कुछ आपको, सो दैट पीछे वाले एरिया की जो है वेंटिलेशन हो सके। साथ ही फ्रंट साइड में आप देखेंगे हमने आपको ग्रीन एरिया दिया है, पेडेस्ट्रियन आपका वरेंडा रहेगा एंड ये स्पेस आपका टू व्हीलर पार्किंग साथ में 4 व्हीलर पार्किंग वगैरह के लिए रहेगा। इस तरीके से आप देखेंगे आपका बाउंड्री वॉल का डिजाइन है। इस तरीके से हमने फ्रंट एलिवेशन डिजाइन किया है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सो आइए प्लानिंग की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमने ग्राउंड फ्लोर प्लान की तरफ चल रहे हैं। ये आपका मेन गेट रहेगा दोस्तों, फ्रंट साइड से यहाँ से आप मेन गेट रखेंगे अपना 8 या 10 फीट का। आप यहाँ पे अपना मेन गेट रखें, यहाँ पर आप अपनी 2 व्हीलर 4 व्हीलर पार्किंग कर सकते हैं। राइट साइड में देखेंगे यहाँ पर आप अपना गार्डन छोड़कर यहाँ पे लैंडस्केप वगैरह डिजाइन कराकर सेटिंग वगैरह अपनी प्लान कर सकते हैं। ये आपका वरेंडा रहेगा, ये आपका 2 व्हीलर पार्किंग रहेगी। यहाँ से आप एंट्री करेंगे अपने स्टेयरकेस लॉबी के अंदर। स्टेयरकेस जो आप देख सकते हैं आउटसाइड से है। सो अगर आप इसी प्लान को ऊपर भी कॉपी करके बनाएंगे तो आप इस प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर का आपका कोई इंटरकनेक्शन नहीं है। इंडिपेंडेंटली आप इस फ्लोर को और ऊपर वाले फ्लोर को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे अगर कोई आपके घर में गेस्ट आता है तो वो आपके मेन गेट से होते हुए ये 2 स्टेप चढ़ते हुए अपने प्लिंथ लेवल पे पहुंच जाएंगे। इस दरवाजे के थ्रू, ये आपका ड्राइंग रूम रहेगा, इस दरवाजे के थ्रू आपके ड्राइंग रूम के अंदर एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे ड्राइंग रूम का साइज 10 फीट बाय लगभग 12 फीट। सो सबसे पहले हम हमारा लिखेंगे ड्राइंग रूम का साइज, ड्राइंग रूम 10 फीट बाय 12 फीट। तो आपका ड्राइंग रूम रहेगा। वेंटिलेशन के लिए आप देखेंगे हमने यहाँ पे फ्रंट साइड में ही आपको ओपनिंग दी है। ओपनिंग का साइज आप देख सकते हैं कि आपको लगभग 4.5 फीट के आसपास का मिलेगा। जो आपका मेन एंट्रेंस है ये आप 3 फीट 3 इंच की रख सकते हैं। फर्नीचर लेआउट की बात करें तो आप इस तरीके से सी टाइप में अपनी सोफा सेटिंग रखेंगे, बीच में आप अपनी टेबल रख सकते हैं। पीछे की इस वॉल को आप अपना मेन वॉलपेपर वगैरह लगाकर इसको मेन हाइलाइटेड वॉल बना सकते हैं, इंटीरियर डिजाइन की बात करें। एंड साथ ही अगर आप चाहें तो टीवी पैनल इस तरीके से आप बना सकते हैं, ये आपकी स्टोरेज रह जाएगी, नीचे आपकी स्टोरेज हो जाएगी। इस वॉल पे आप अपना बड़ा 55 इंची का टीवी आराम से लगा सकते हैं एंड इस तरीके से आप इसको डिजाइन करवा सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि अगर आपको घर वालों को कोई एंट्री, आपकी जिस तरह गेस्ट एंट्री रहेगी, आपकी जो घर की एंट्री रहेगी वो यहाँ से रहेगी, इस सीढ़ियों के साथ में ये आपका दरवाजा रहेगा। यहाँ से लॉबी के अंदर आप एंट्री करेंगे, ये लॉबी रहेगी, लॉबी डाइनिंग कम लॉबी एरिया स्पेस है। यहाँ से आप घर वालों की एंट्री रहेगी, कोई भी आपका फैमिली मेम्बर होगा वो इस डोर के थ्रू एंट्री करेगा। सो आइए पहले इस लॉबी का साइज देखेंगे कि आपको कितना मिल रहा है, 17.5 फीट 9.5 फीट, 17 फीट 6 इंचेस बाय 9 फीट 6 इंचेस।
तो ये हमारा लॉबी का साइज रहेगा। इसके अंदर आप देखिए इस तरीके से डाइनिंग लगाएं, इस वॉल के इंक्लाइंड आप अपनी डाइनिंग लगा सकते हैं। 6 सीटर या 7 सीटर आप यहाँ पे डाइनिंग रख सकते हैं। इस वॉल पे आप चाहें तो अपनी क्रॉकरी यूनिट रख सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ पर भी अपनी क्रॉकरी यूनिट प्लान कर सकते हैं किचन के सामने, या आप यहाँ पर सिटिंग वगैरह एक छोटा सोफा या इस तरीके से, जिस तरीके से हमने आपको शो किया है, आप इस तरीके से अपनी सिटिंग प्लान कर सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे हमारे किचन की तरफ। सो फ्रंट साइड में यहाँ पर आपकी किचन है। वेंटिलेशन के लिए हमने दो विंडोज दिए हैं आपको, एक फ्रंट साइड बैक में, एक आपका जो रियर साइड बैक है, ड्राइववे है यहाँ पर। सो इस तरीके से आप एल शेप में अपनी स्लैब रखेंगे किचन की। किचन का साइज देखेंगे अब हम, 11.5 फीट। आपकी लगभग 7 फीट, सो 11.5 फीट की आपकी किचन रहेगी। 11 फीट 6 इंचेस बाय 7 फीट। ये हमारी आपको किचन का साइज मिल रहा है। इस तरीके से एल शेप में आप अपनी स्लैब रखेंगे। गैस स्टोव की बात करें तो आप यहाँ पर अपना गैस स्टोव प्लेस कर सकते हैं, या आप अपना सिंक प्लान करें। एंड ओपनिंग के थ्रू, यहाँ पर दरवाजा नहीं रहेगा, ओपनिंग के थ्रू आप अपने किचन के अंदर एंट्री करेंगे। सो एरिया की बात करें, सो ये आपका पब्लिक एरिया रहेगा। यहाँ से कोई एंट्री करता है या डाइनिंग एरिया यूज करता है, सो इस स्पेस को आप एज एन अपना पब्लिक एरिया यूज करेंगे। पीछे का जो एरिया रहेगा वो कम्प्लीटली आपका प्राइवेट एरिया रहेगा, जहाँ पर आपके दोनों बेडरूम्स आएंगे, अटैच टॉयलेट आएंगे आपके पास। सो सबसे पहले हम चलेंगे हमारे बेडरूम की तरफ, पहले बेडरूम की तरफ। तो ये देखिए दोनों तरफ लॉबी से आपके दोनों दरवाजे निकल रहे हैं आपके बेडरूम में जाने के लिए। बेडरूम का लेआउट आप देखेंगे हमने काफी सिंपल रखा है। लेआउट देखें तो यहाँ दरवाजा आपका है, दोनों इस तरफ खुल रहे हैं, दीवार की तरफ खुल रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी अलमीरा प्लेस करेंगे दोनों ही बेडरूम में, साथ ही साथ इस तरीके से वॉल के इंक्लाइंड आप अपने बेडिंग करेंगे। सामने की वॉल पर आप टीवी पैनल लगाएंगे। आइए डिटेल में देखें बेडरूम की साइजेस आपको क्या मिल रहे हैं। तो ये पहला बेडरूम है, 10 फीट 9 इंचेस, 10 फीट 9 इंच बाय 12.5 फीट। बेडरूम 1, 10 फीट 9 इंच बाय 12.5 फीट। तो ये आपको पहला बेडरूम मिल रहा है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं इस तरीके से आप अपनी वॉल की तरफ, वॉल पे अपनी अलमीरा प्लेस करेंगे। अलमीरा का साइज आप देखेंगे तो आप लगभग यहाँ पे 7 7.5 फीट की अलमीरा प्लेस कर सकते हैं। पीछे वाली वॉल को आप बेड हेड को अपना मेन हाईलाइटेड वॉल बनाए, इस पे वॉल पेपर वगैरह लगवा कर आप इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। बाकी सारी वॉल्स को हमने व्हाइट प्लेस किया है। इस तरीके से बेडिंग करेंगे एंड सामने वाली वॉल पे आप देखेंगे इस तरीके से अपनी टीवी यूनिट वगैरह बनवा सकते हैं। टीवी यूनिट के पीछे आप यहाँ पर अपनी कोवलाइट वगैरह प्लेस करें। ये स्पेस आपके पास एक बचता है पीछे जाने के लिए, साथ ही साथ आप यहाँ पर एक छोटी सोफा सेटिंग कर सकते हैं। ये स्पेस आपको जो मिल रहा है ये है आपके पास 4.5 फीट 4 फीट 9 इंच बाय लगभग 2 फीट 9 इंच के आसपास आपके पास ये स्पेस है। आप यहाँ पर अपनी कुर्सी वगैरह प्लेस करके धूप का मजा ले सकते हैं। यहाँ हमने स्लाइडिंग विंडो रखा है, 4 फीट 9 इंच वाइड आपकी स्लाइडिंग विंडो रहेगी, स्लाइडिंग डोर विंडो, सो दैट आप पीछे वाला एरिया एक्सेस कर सकें। ये आपके पास अटैच टॉयलेट रहेगा दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे टॉयलेट का साइज, 7 फीट 4 इंच बाय 5.5 फीट। सो लगभग 7.5 बाय 5.5 फीट का आपके पास टॉयलेट है, 7 फीट 6 इंच बाय 5 फीट। ये हमारे टॉयलेट का साइज आ रहा है पहले बेडरूम के साथ जो टॉयलेट है। 2.5 फीट का आपका दरवाजा रहेगा, यहाँ से आप अपने मिल रखेंगे। यहाँ सेंटर में आप अपना वेंटिलेटर प्लेस करेंगे, 2 फीट का वेंटिलेटर हो सकता है। विड्थ वाइज 1.5 से 2 फीट का आप इसको विड्थ वाइज वेंटिलेटर रखें, लेंथ वाइज आप इसको लंबा कर सकते हैं। लेआउट की बात करें तो इस तरीके से आप दरवाजा खोलेंगे। इस वॉल पे आप अपना वॉश बेसिन लगाएं, फिर आप अपनी यहाँ पे डब्ल्यूसी प्लेस करें एंड सामने की वॉल पे वाटर टैप्स वगैरह लगा के आप अपना बेथिंग पर्पसेस फुलफिल कर सकते हैं। सो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम था। ये देखिए इस तरीके से आप नॉर्मल सिंपल सबसे बेसिक जो इंटीरियर डिजाइन रहेगा वो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सेकेंड बेडरूम की तरफ चलेंगे दोस्तों। सो ये आपका सेकेंड बेडरूम है, लेआउट सेम के साथ। आपको साइज देखें कितना मिल रहा है, 11 फिट बाय 10 फिट 9 इंच। बेडरूम 2,
10 फिट 9 इंच बाय 11। ये आपका सेकंड बेडरूम रहेगा। सेम आपको सिटिंग के साथ अटैच टॉयलेट मिल रहा है। सबसे पहले देखिए, आप इस वॉल पे अपनी अलमीरा प्लेस करेंगे। अलमीरा का साइज आपको यहाँ पर कितना मिलेगा, लगभग 6.5 फीट की आप यहाँ पे अलमीरा प्लेस कर सकते हैं। टीवी पैनल का डिजाइन देखें, इस तरीके से आप काफी अच्छी टीवी पैनल अपनी बनवा सकते हैं इस बेडरूम के अंदर। वॉल इंक्लाइंड आप अपना टीवी पैनल टीवी यूनिट लगाएं एंड इस तरीके से आप अपना बेडिंग का डिजाइन कर सकते हैं। वुडन शेड में ऊपर वॉलपेपर लगाते हुए इस तरीके से काफी प्यारे लुक के साथ आप अपना बेडरूम का इंटीरियर डिजाइन करें। बैक साइड में बेड की जो बैक साइड रहेगी, इसको आप अपनी मेन हाईलाइटेड वॉल रखें, उसके ऊपर वॉलपेपर वगैरह लगाकर आप अपना डिजाइन करवाएं। सेम आपको यहाँ पे सेटिंग मिल रही है, सिंगल सेट चेयर लगाकर आप इस एरिया को एंजॉय कर सकते हैं। अटैच टॉयलेट मिल रहा है आपको। टॉयलेट का साइज देखेंगे, 6 फिट 10 इंच बाय 5.5 6 फिट 10 इंच बाय 5 फिट 5 इंच। ये आपका टॉयलेट सेकंड है सेम लेआउट के साथ। यहाँ वॉश बेसिन, यहाँ WC, यहाँ वाटर टैप्स। सो इस तरीके से बेसिक आप अपने सेकंड टॉयलेट का भी लेआउट करेंगे। दोनों तरफ आप स्लाइडिंग विंडो दे रहे हैं, स्लाइडिंग विंडो के थ्रू आप अपने वरेंडे में एक्सेस करेंगे। ये आपका कवर्ड वरेंडा रहेगा, जो आपकी स्लैब रहेगी, छत है, उससे आप ये कवर्ड वरेंडा रखेंगे। इसका साइज देखेंगे, सो 3 फीट का स्पेस है, यहाँ पर आप अपनी कवर्ड सेटिंग वगैरह रख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे पीछे की तरफ, ये आपका ओपन एरिया है। प्लॉट की बाउंड्री से आप देख सकते हैं, हमने 8 फीट का यहाँ पर सेटबैक छोड़ा है। 8 फीट का ओपन स्पेस है, 4.5 इंच की दीवार है, सो लगभग 7.5 फीट का स्पेस है। 7.5 फीट बाय आपका जो है 25 फीट का स्पेस रहेगा, 8 बाय 25 फीट का, जो आप एज एन यूनिट यूटिलिटी एरिया के तौर पे इसको यूज करें। वॉशिंग मशीन वगैरह लगाकर यहाँ पर आप अपने कपड़े वगैरह वॉश कर सकते हैं, साथ ही साथ कुछ स्टोरेज वगैरह भी कर सकते हैं अपनी। आइए शेयरकेस की तरफ चलेंगे दोस्तों। तो शेयरकेस का साइज देखते हैं आपको क्या मिल रहा है। 3 फिट 3 इंच आप इस शेयरकेस का साइज रख सकते हैं। 10 इंच आपका ये ट्रेड रहेगा। राइजर की बात करें तो आपके पास लगभग 6 इंच से थोड़ा सा ऊपर आप इसको राइजर रख सकते हैं। 10 फीट अपने फ्लोर टू फ्लोर हाइट रखी है। इस तरीके से आप अपने शेयरकेस को रन करेंगे। ये आपके पास टू व्हीलर पार्किंग का स्पेस है, जो कि विड्थ वाइज आपके पास 6 फीट 4 इंच का है। फ्रंट साइड में ओपन है, यहाँ से आप देखेंगे कि हमने फ्रंट साइड में कितना सेटबैक छोड़ा है, 12 फिट के आसपास ये आपके पास फ्रंट सेटबैक रहेगा। ये आपका मेन गेट रहेगा। बाउंड्री वॉल का डिजाइन इस तरीके से आप मॉडर्नली में विद MS जाली के थ्रू आप इस तरीके से अपना डिजाइन करवा सकते हैं। ऊपर की तरफ देखते हैं दोस्तों, सो यहाँ पर आप अपने स्टेयरकेस जो है वो खत्म कर रहे हैं इस तरीके से चलते हुए। सो ये आपका गेट रहेगा, दरवाजा रहेगा, डोर रहेगा टेरेस में आने के लिए। ऊपर आप यहाँ पर अपनी वाटर टैंक्स वगैरह रखवाएं। फ्रंट साइड में देखेंगे, यहाँ पर जो लैंडिंग आती है वो हमने एक्सक्लूड करते हुए बाहर निकालते हुए इस जो आपकी विंडो है इसको प्रोजेक्ट इसको कवर करते हुए यहाँ पर हमने आपको एक छोटी सी बैल्कनी प्रोवाइड की है। MS में यहाँ पर आप अपना जाली बुक करवाएं, साथ ही साथ यहाँ एक गेट निकलवा लें एक्सेस के लिए। तो इस तरीके से आप अपनी मॉडर्न लुक को बरकरार कर सकते हैं। इस वॉल को हमने हाईलाइटेड वॉल रखा है फ्रंट एलिवेशन में आप देखेंगे। सो यहाँ पर आप अपनी स्टोन क्लैडिंग करा सकते हैं, यहाँ पर आपने हमने आपको टाइल क्लैडिंग करके दी है। बाकी इसके अलावा घर पर आप देखेंगे हमने ग्रूमिंग करके दी है प्लास्टर के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छा लुक कर आपको दे रही है। सो ये आपका फ्रंट एलिवेशन है। साइड से देखेंगे इस तरीके से साइड से एलिवेशन रहेगी आपके मकान की। ये आपका रियर एलिवेशन रहेगा, ये आपके सेकंड साइड एलिवेशन है। यहाँ पर आपको मल्टी दिख रही है, ये आपका ग्राउंड फ्लोर का स्ट्रक्चर है, ये आपकी बाउंड्री वॉल्स हैं। फ्रंट एलिवेशन रहेगा दोस्तों। सो आज का ये प्लान था। ऊपर आपके पास ये टेरेस है, मल्टी का एरिया है, काफी बड़ी ओपन टेरेस है। आप चाहे तो इसी प्लान को ऊपर भी अपना कॉपी कर सकते हैं, सेम आप बना सकते हैं सिंगल 2 BHK यूनिट के हिसाब से विद सेपरेट ड्राइंग रूम आप इस एरिया को प्लान कर सकते हैं। सो गाइस, ये आज का प्लान था। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको मकान का डिजाइन कैसा लगा। साथ ही साथ आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अपनी क्वेरीज। आपको कोई मकान बनवाना हो, कोई डिजाइन बनवाना हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी व्हाट्सएप डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। आप हमें कॉन्टैक्ट करें बाय व्हाट्सएप।
साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। गुड बाय दोस्तों।